हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं धनी का मेरा अकाउंट ये एक्टिवेट है। आप देख सकते हैं ये एक्टिवेट है, ठीक है, ये भी एक्टिवेट है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट बी का अकाउंट क्लोज है, कैनरा बैंक का भी अकाउंट मेरा क्लोज है और ये मैंने अपने आप ही किया था। कोई भी ऐप्स आपको लोन दे देती है लेकिन अकाउंट क्लोज नहीं करती है। अकाउंट क्लोज अपने आप आपको खुद करना होता है। और किस प्रकार से आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, आपको ये वीडियो इस प्रकार से देखनी होगी और थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेनी होगी, ब्राइटनेस बढ़ा लेनी होगी। बहुत बारीक प्रोसेस है लेकिन एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी होगी। आपको सबसे पहले खोलना है एक ब्राउज़र। आप लैपटॉप में खोल सकते हैं, मोबाइल में खोल सकते हैं, किसी भी जगह खोल सकते हैं। जैसे कि हम क्रोम में खोल लेते हैं, आपको क्रोम में खोलना है, ठीक है, एक गूगल में खोल लेना, क्रोम में खोल लेना और यहाँ पे लिखना है आपको civil.com, सिविल ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आ गया, जैसे ही आप लिखेंगे सिविल ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, आप देख सकते हैं ये आ रहा है सिविल ऑफिशियल वेबसाइट। बिल्कुल प्रोसेस आसान है, आप आराम से समझिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मैं इसे ओपन कर लूँगा। जैसे ही मैं ओपन करूँगा आपको ध्यान देना है इस प्रकार की यहाँ पर ऑफिशियल साइट आ जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा कि यही साइट आपको, जो ये साइट आ रही है, इसे ही ओपन करना है। हम इसे ओपन करेंगे और इसके ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट फ्री सिविल रिपोर्ट, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गेट सिविल फ्री रिपोर्ट, ठीक है। गेट सिविल फ्री रिपोर्ट पर आपको ओके कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ओके करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी है। आपको एक ईमेल आईडी डालनी है, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाना है, आपका जो भी पैन कार्ड में नाम है वो डालना है, एक जो आपका पैन कार्ड, जैसे कि मेरा नाम है राहुल देव, तो राहुल लिखना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में देव, ठीक है। यहाँ पर आपको चुनना है एक आईडी, जैसे कि आपको पैन कार्ड ही चुनना है और उसका नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर आपको पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर लगाना है। यहाँ पर नंबर लगाने के बाद आपको जो पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लगाना है और उसके बाद आपको एक पिन कोड लगाना है। पिन कोड लगाने के बाद आपको मोबाइल नंबर लगाना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको एक्सेप्ट एंड टर्म कंडीशन पर कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। ये मैंने कर लिया है और मैंने अपना पूरा ये प्रोसेस बना लिया है और यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन आपको देखिए करनी है, जो आपने ईमेल आईडी दी है और पासवर्ड दिया है आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। जो मेरा ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, मैंने यहाँ पर लगा दिया है और लॉगिन पर ओके कर लिया है। लॉगिन पर ओके करने के बाद यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल फैच हो जाएगी। आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी, जैसे कि आपका सिविल स्कोर कितना है और आपका नाम क्या है, पूरी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पर और मेरा सिविल स्कोर भी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जितना भी मेरा सिविल स्कोर है मेरा यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल मेरी आ चुकी है और यहाँ पर मेरे अकाउंट भी आ चुके हैं, सब चीज़ पूरी डिटेल यहाँ पर मेरी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मेरा इस तरीके से आ गया है। लेकिन अब आपको यहाँ पर आराम से ध्यान देना है कि जो ये वर्टिकल डॉट है ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल डॉट है तीन लंबे लंबे, इस पर आपको ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट, यहाँ पर देख सकते हैं सिविल रिपोर्ट, इस पर आपको ओके करना है। इस पर हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे इसमें थोड़ी सी यहाँ पर देखें किस प्रकार का इंटरफेस आ गया। इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, आपको दिखा देगा ओपन अकाउंट, ठीक है। जैसे ही जितने भी आपके ओपन अकाउंट है और क्लोज अकाउंट है ये आपके दिखा देगा। आपको बस सबसे नीचे जाना है, बिल्कुल नीचे, ठीक है। बिल्कुल नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस एट डिस्प्यूट पर आपको ओके करना है। रेस एट डिस्प्यूट पर हम ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे डिस्प्यूट स्टेटस आ चुके हैं। डिस्प्यूट स्टेटस यहाँ पर आ जाएंगे, 00 आ रहे हैं। अभी मैंने कोई डिस्प्यूट नहीं किया, मैं आपके सामने ही करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे डिस्प्यूट आ गए। थोड़ा हमें नीचे करना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म,
ठीक है, एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म आपको ओपन करना है। मैं यहाँ पर एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म ओपन कर लूँगा। इसके बाद देखिए अकाउंट सेक्शन, हमें क्या करना है, अकाउंट में ही अपने अकाउंट क्लोज करने हैं। तो नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिस्प्यूट करना है, यदि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सही नहीं आ रही तो वो भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अकाउंट सेक्शन ही करना है। हम इसे ओपन करेंगे, अकाउंट सेक्शन ओपन करना है आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्शन हैं, लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है, जौन सा हमारा मतलब का है, जैसे कि आई हैव क्लोज पेड, ये भी छोड़ दीजिए, हाउ लॉन्ग क्लोज अमाउंट, ये भी छोड़ दीजिए। हमें देखिए ये वाला आपको ढूंढना है, अकाउंट हैज़ बीन नॉट अपडेट मोर देन 2 मंथ, व्हाट आई डू। ये देखिए ये कह रहा है कि मैंने जो रीपेमेंट किया है वो 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मेरा अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, तो हमें इस पर ओके करना है। ठीक है, यदि 30 से 45 दिन से पहले पहले आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है, 30 से 45 दिन से आपको ज़्यादा हो गए लोन दे हुए तो आपको ये करना है, तो फाइंड सॉल्यूशन पर आपको ओके करना है। जैसे ही मैं फाइंड सॉल्यूशन पर ओके करता है तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको थोड़ा नीचे करना है, नीचे करना है, और यहाँ पर करना है रेस डिस्प्यूट, थैंक्स पर नहीं करना है, थैंक्स टेक मी टू पेज, वरना ये आपको दोबारा से वहीं भेज देगा। हम रेस डिस्प्यूट पर ओके करेंगे, जैसे रेस एंड डिस्प्यूट पे ओके करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल नंबर, कंट्रोल नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी को कंट्रोल नंबर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, रिपोर्ट डेट भी यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, तो इस प्रकार से पूरा पूरा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ओपन अकाउंट, ठीक है, ओपन अकाउंट मेरे आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पर सो ऑल डिटेल, ठीक है, सो ऑल डिटेल पर हमें ओके करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे करके सो ऑल डिटेल, ठीक है, सो ऑल डिटेल पर मैं ओके करूँगा तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट रिफ्लेक्ट मल्टीपल आइटम, ठीक है, और अकाउंट डज नॉट बीइंग टू मी। तो हमें नीचे करना है, नीचे करना है, नीचे करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ओपनिंग, ठीक है, डेट ओपनिंग आ रही है, डेट ओपनिंग आ रही है कि आपने किस तारीख को इससे अमाउंट लिया था, लोन लिया था, तब की डेट आ रही है, लेकिन आप यहां पर ध्यान देंगे डेट क्लोज नहीं आ रही है, ठीक है, डेट क्लोजिंग की कोई भी डेट नहीं आ रही है कि आपने ये रीपेमेंट कर दिया, उसकी क्लोज डेट नहीं आ रही है, तो हमें यहां पर क्लोज डेट लानी है, तो हमें यहाँ पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर अटेंशन आएगा कि यू आर बैक फाइनेंशियल, ये वो ही देगा, यदि आपके 30 दिन नहीं हुए हैं अभी तक जमा करें तो उसमें आपको नहीं भरना है, क्योंकि 30 दिन के बाद सिविल को रिपोर्ट भेजी जाती है, लेकिन मुझे 30 दिन से यहाँ पर ज़्यादा हो चुके हैं तो मैं ओके करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपने कौन सी डेट को ये पैसा रिटर्न किया है। तो मैंने अपनी डेट याद रखी है, तो मैंने 4th महीना मतलब कि अप्रैल एक अप्रैल 2023 को मैंने ये पेड किया था, तो मेरा अभी 1 अप्रैल 2023 को पेड हो चुका था, ठीक है, तो मैंने इसमें डेट डाल दिए। और यहाँ पर आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, तो इस प्रकार से आप ये 2 अकाउंट दिखा रहा है, तो मेरे 2 है, तो मैंने दोनों में ही यही चेंज करना है, जौन सी भी डेट मैंने डाली थी उसमें ही आपको चेंज करना है, फिर ओके करूँगा, फिर मुझे भी यही डेट डाल देनी है, क्योंकि मैंने इसी अकाउंट इसमें ही दोनों में ही पे कर दिए थे, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से आपको डेट, आपको सबसे ज़्यादा मैटर रखती है डेट जो आपने पे की थी, ठीक है, पे डेट आपको निकाल लेनी है, कौन सी डेट में आपने लास्ट पेमेंट की थी, जब आपका अकाउंट क्लोज होने वाला था कौन सी डेट को लास्ट पेमेंट की थी, तो अकाउंट आपको निकाल लेनी है, ठीक है। आपको नीचे जाना है और आप देख सकते हैं रीसेट, यदि आपने गलत भर दी तो आप रीसेट भी कर सकते हैं, यदि आपने सही भरी तो कन्फर्म भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही भरी है तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर ओके कर दूँगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू पर ओके करूँगा तो इस प्रकार से रिव्यू सबमिट डिस्प्यूट, यहाँ पर मेरे डिस्प्यूट की यहाँ पर जो एक रिव्यू आ गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिलीट 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 हो जाएंगे आप अगर करना चाहते हैं, लेकिन मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैंने ये डिस्प्यूट कर दिया है, ठीक है, 1/4/2023 1/4/2023। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अपनी टिकट रेस कर दी है, अब मेरा कुछ ही दिनों में
अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी अकाउंट तभी क्लोज होता है जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आपका अकाउंट क्लोज नहीं आ रहा हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कंट्रोल नंबर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कुछ भी सिबिल की या लोन की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।